पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें एनएस नाउ। नमस्कार, एनएस नाउ देख रहे हैं आप। बीकानेर में धरने के बाद आखिर बात कहां तक पहुंच पाई है पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों की, और क्या कुछ होने वाला है, और क्या कुछ कैबिनेट बैठक के बारे में उम्मीदें लगाई जा रही जो पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक द्वारा, उस पर हमारे साथ जुड़े हुए राजस्थान पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ के अध्यक्ष प्रवीर जसरापुरा जी, उन्हीं से जानते हैं कि आखिर बीकानेर धरना स्थगित होने के बाद जो बैठकें लगातार हो रही हैं, जो कैबिनेट बैठकें लगातार हो रही हैं, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ पंचायत शिक्षकों विद्यालय सहायकों के साथ आगे की रणनीति है, क्या कुछ आगे होने वाला है। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ आखिर क्या कर रहा है और क्या कुछ निर्णय आगे के लिए बना रहा है। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनएस नाउ में। जी थैंक यू। जी सर, पिछली बार जब बीकानेर में आप लोगों का धरना समाप्त हुआ था तो विधायक जेठालाल जी व्यास से आप लोगों की बात हुई थी, उसके बाद आप लोगों ने अपना धरना समाप्त कर दिया था। बताया गया था कि कुछ दिनों बाद ही आप लोगों की फिर से निदेशालय में बैठक होगी और उसी के बाद आप लोगों की समस्याओं पर विचार किया जाएगा, तो क्या कुछ कहाँ तक बात पहुँची है आपकी? हमारी बात अभी हो नहीं पाई है, दोबारा होनी है, एक बार हो भी चुकी है, और जिस काम के लिए हमने धरना लगाया था जी, उस काम में कुछ प्रोग्रेस भी शुरू हो गई है। जी जी, अब दोबारा जब भी बात होगी, दो दिन में, 5 दिन में आपको अवगत करवाएंगे जब। जी सर, बाकी कैबिनेट बैठक को लेकर भी कुछ खबर आ रही थी कि बीच बीच में बैठक हो रही थी लेकिन फिर रद्द हो जा रही थी, तो ऐसा है। देखिए सर, कैबिनेट मीटिंग है, सरकार बहुत बड़ी है, सरकार के साथ पूरा राजस्थान है, कई मुद्दों को लेके हमेशा बैठकें होती रहती हैं। अब हर बार अपन ये सोचते हैं कि ये संविदा कार्मिकों के लिए बैठक चल रही है, तो ऐसा शायद सोचना उचित नहीं है। पूरा राजस्थान है, सरकार के पास बहुत बड़ा वर्कलोड होता है, कई मुद्दों पे बैठकें होती हैं, तो संविदा कार्मिक हर मीटिंग को अपने से ना जोड़े। जी जी, क्योंकि सर पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक लोगों ने उम्मीद लगाई है कैबिनेट बैठक से कि इस बैठक से उनका अस्थायीकरण हो जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ट्रांसफर की जो नीति वो जारी हो जाएगी। देखो, पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक और सारे संविदा कर्मी कहूँ तो ये तो बेचारे क्या है कि बहुत सालों से संविदा का दंश झेल रहे हैं, इसलिए हमें तो हर मीटिंग से ही उम्मीद होती है कि हमारा कुछ ना कुछ अच्छा हो, लेकिन हर मीटिंग संविदा कार्मिकों के लिए हो ये जरूरी नहीं है। जी जी, ये फैसले क्या है कि जो बड़े स्तर पे लिए लेने होते हैं तभी कैबिनेट में हमारी बात चलती है, बाकी फिलहाल तो क्या है कि सेवा नियमों पे थोड़ी थोड़ा मामला अटका हुआ है, और हमारा जो था वो पुराना अनुभव और नए अनुभव को एक साथ जोड़कर जो हमारी सेवा थी उसको गिनना था, उसकी तो अभी फाइल प्रोग्रेस में है, जैसे ही वो समय पूरा होगा हमारा भी नियमितीकरण आरम्भ करेगी सरकार। जी सर, जो धरने के बाद आप लोग की जो बैठक बताई जा रही थी होने वाली है, तो क्या वो बैठक हुई थी? हाँ, वो एक बार हो चुकी है, एक बैठक और होनी है जल्दी। जी सर, तो उस बैठक में क्या कुछ आगे बढ़ी है आप लोगों की फाइल? आगे बढ़ाया है उन्होंने, लेकिन अभी वो फाइनल नहीं हो पाया है। नेक्स्ट टाइम 2 दिन में 5 दिन में जब भी मीटिंग होगी तो उसकी रिपोर्ट आएगी कि वो फाइल कितनी आगे चली है। जी सर, अभी तक मतलब सूचना नहीं है कि आगे कब बैठक रखी जाएगी। हाँ, मतलब 2-5 दिन में वो बैठक होनी है। जी सर, तो इस बैठक में क्या कुछ हो सकता है संविदा कर्मचारियों के लिए? ये तो देखो भविष्य के गर्भ में है, बाकी हम जिस मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं हमें पूरी आशा है सरकार से कि वो मुद्दा हमारा हल होगा और सरकार अति शीघ्र हमारा भी नियमितीकरण करेगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपनी बात रखने के लिए और पूरा अपडेट देने के लिए हमें। थैंक यू।